हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राठौर फैमिली। वेल, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम खुश हो गए और हम भी बहुत खुश हैं। धन हो, धान हो, हम सब की शान हो। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव की कृपा और माँ छठ मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना है राठौर फैमिली की तरफ से। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये लोग चंदा काटने के लिए बैठे हुए थे, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है अपनी इच्छा अनुसार इन्हें चंदा दान जरूर करें। एंट्री करते हैं, यहाँ पे छठ पूजा का बोर्ड लगा हुआ है और डेकोरेशन तो ऊपर आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। नीचे ग्रीन कारपेट बिछे हुए हैं और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है ही, और बहुत से लोग नंगे पैर आए हुए हैं यहाँ पे, और ये टोकरी लेके सभी घाट की तरफ जा रहे हैं, कुछ पूजा करके आ रहे हैं, क्योंकि ये ढलते हुए सूरज को अर्घ दे के आ रहे हैं। और इस तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ है, अब आपको लेके चलते हैं सामने घाट की तरफ। तो आप सभी ये सामने ना डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं, यानी आराधना दे रहे हैं, और ये सभी देखो पूजा भी कर रहे हैं और ये पानी में खड़े हैं। और पता है ठंड का टाइम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इन सबकी श्रद्धा है और इन सभी ने ना पीले वस्त्र पहने हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको देख के। तो इस तरह आप देख सकते हो इन सभी के यहाँ पे पूजा का सामान है, फल है, सब्जियां है और धूप बाती जो इन्होंने जलाई हुई है वो सभी यहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं सभी व्यक्ति शाम का समय सूर्य देव को संध्या अर्घ्य देने के लिए खड़े हुए हैं। सूर्य के प्रति कैसी श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति। सूर्य और माँ छठी का एक ऐसा नाता है, सूर्य देव की बहन थी छठी मैया, और माताएं बहन इस व्रत को अपने संतान के सुख मैं कामना के लिए मनाते हैं। देखो मैं आपको ना यहाँ से पासे दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री रखी हुई है, जितने भी फल है सब्जियां है वो सब यहाँ पे रखी हुई है। और अभी मैं आपको थोड़ा पास से ना घाट का नजारा दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से पास से जो घाट का नजारा है ना वो कुछ ऐसा है, भीड़ आप देख ही सकते हो, भीड़ काफी ज्यादा है प्रॉपर। और यहाँ पे ना सभी अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। इस तरफ देखो भीड़ तो है ही, देखो प्रॉपर भीड़ है, एकदम काफी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं इस तरफ, और यहाँ पे लोग ऐसे जो यहाँ पे जोत भी जला रहे हैं सभी को। ये मेरे भाई है चंदू भाई भी है, और मेरे परम मित्र भी है, मुझे यहाँ मिले हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो मुझे भाई चंदू से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मैं भाई को बोलता हूँ छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, सूर्य देव के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्र मिले हैं राजेश पोद्दार जी, ये पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छे स्वतंत्र पत्रकार हैं। ये जो भी लिखते हैं बड़ा ही स्वतंत्र और खुले विचार के आदमी हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। राठौर जी, मैं आपको बताऊं कि ये लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, और आप यहाँ देख रहे होंगे पहले तो ये सिर्फ कुछ ही इलाके के लोग जो है यहाँ पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में इस तरह के छठ पूजा का आयोजन होता था, लेकिन आज नॉर्थ इंडिया की बात करें जिसमें बिहार या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बिहार, असम और ये आगे बंगाल तक जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आज दिल्ली में जो है हमारे यूपी बिहार और पूर्वांचली से लोग रहते हैं वो बड़े स्तर पर यहाँ पे हर साल मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल तालाब तैयार होता है। और उसके बाद आज जो है इस महापर्व का तीसरा दिन है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आप देखेंगे सामने तो जो सूरज की लाली है वो नीचे जाने लगी है, लाली बिल्कुल निखर के आई है, और जितने भी व्रती हैं वो सभी अपने व्रत के तीसरे चरण में हैं, और कल जो चौथा चरण होगा उसके बाद सूरज के उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ये व्रत की समाप्ति होगी। धन्यवाद पोद्दार जी, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया आपने छठ पूजा पर्व का, तो हम राठौर फैमिली आपका बहुत आभारी रहेंगे। मेरे साथ अब हैं हम धनेश्वर यादव जी, पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष, तो ये बताएंगे इस बार टेंट लगाने में क्या दिक्कत आई। पहली बात ये है आज हमारे छठ पूजा की 16वां साल है और इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आई, तो इस बार प्रॉब्लम हुई है सरकारी सहायता में, टेंट में, पानी में। समाज के लिए पर्व होता है, आज हमारे नरेला विधानसभा में सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखा जाए तो ये भोरगढ़ की घाट पर होती है, मगर सरकार की सुविधा आने का भी नहीं होता है, टेंट का सुविधा आने का नहीं होता है। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ
कि आगे से जो आप बजट देते हैं वो आयोजक की अकाउंट में आना चाहिए। उसे क्या होगा, आयोजक जो है खुल करके अपना काम कर सकता है। और इस बार में 40 फुट जो है घाट बढ़ाने के बावजूद कदम रखने की जगह नहीं है। हो सकता अगर सरकार की सहायता नहीं भी मिली तो आगे बार 30-40 फुट और मैं बढ़ाऊंगा। छठ मैया की जय। धन्यवाद यादव जी। यादव जी ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार कोई भी हेल्प नहीं मिली है, जितना भी ये काम है सारा इन्होंने अपने उस बलबूते पे किया। मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार से, कि जो इस बार हुआ आगे ना हो, क्योंकि ये जनता का काम है, समाज का काम है, समाज की भलाई का काम है, भलाई के काम में इस तरीके की रुकावटें ना आए। एक बार मेरे साथ बोले, बोल छठ मैया की जय। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं आपको लेके आया हूँ छठ घाट पे। यहाँ सुबह सुबह व्रती सूर्य देव को अपना अर्घ्य देंगे और 36 घंटे का जो व्रत है वो पूरा करेंगे। सुबह सुबह लोग बाग व्रती जो है ये आना शुरू हो गए हैं और सभी देखे किस तरीके से श्रद्धा का सैलाब लिए हुए, अपने सर पर टोकरा रखे हुए फलों का और एक श्रद्धा लिए हुए और चले आ रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ आज आकाश है, ये मेरा भतीजा है, ये आज मेरे साथ वीडियो बनाने में मेरा सहयोग करेगा। दोस्तों मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ पूर्व दिशा, इधर से सूर्य भगवान प्रकट होंगे और व्रती अपना अर्घ्य देकर यहाँ से अपने घर को जाएंगे। तो जब सूर्य देव प्रकट होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आज धुंध का मौसम है, क्या पता दिखाई भी ना दे, थोड़ा लेट दिखाई दे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। अभी जा रहा हूँ घाट की ओर, घाट पे किस तरीके का दृश्य है ये दिखाऊंगा मैं आपको। यही लंबा घाट है, सभी जो है खड़े हुए हैं भगवान सूर्य के निकलने का इंतजार। ये आप तरफ से देख रहे हैं घाट का, घाट के जो पानी के अंदर हैं जो व्रती हैं वो खड़े हुए हैं और सबका जो मुंह है वो सूर्य की तरफ है कि कब सूर्य भगवान प्रकट हों और हम अर्घ्य दें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, एकदम जन सैलाब बोरगढ़ घाट के ऊपर, छठ घाट के ऊपर इतना जन सैलाब यहाँ आया हुआ है और रंग बिरंगे परिधान में बड़ा ही अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर। दोस्तों मुझे यहाँ मिला है राम। राम हमारा सब्सक्राइबर है, हमारी वीडियो देखता है, मुझे राम से मिलकर बड़ी खुशी हुई। कैसा लगता है राम आपको वीडियो देख के हमारी? बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ एक केले का वृक्ष लगाया गया है और इसकी छटा को छठ पूर्व की घाट की छटा को बहुत ही बढ़ा रहा है। ये आप देख रहे हैं माताएं और बहनें किस तरह से यहाँ पानी के अंदर खड़ी हुई हैं और अभी सूर्य देव को अर्घ्य देकर जाएंगे। ये सभी भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, सभी मेरे भाई हैं यहाँ इस घाट पे, क्योंकि मैं सभी को जानता हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है इनको यहाँ देखते हैं। ये देखे पूरा घाट पे जन सैलाब और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा जन सैलाब। सर्दी का समय है, ठंड है बहुत ज़्यादा और ये यहाँ सभी पानी के अंदर खड़े हुए हैं। और बच्चों का क्या, बच्चे तो अटकेलिया करते हैं, वो देखिए सामने बच्चे अपना मस्ती में नहा रहे हैं। ठंड कोई भी हो लेकिन बच्चों को ठंड नहीं लगती, उनको अपने आनंद से और प्रमोद से ही मतलब होता है। दोस्तों जहाँ जनमानुष होता है, आदमियों की भीड़ होती है, वहाँ पर खुशी तो होती है व्यक्तियों को देखकर। अगर आदमी ना हो तो किस बात की खुशी, किस बात का मजा, किस बात का त्यौहार। ये देखिए कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं ये भाई, बहुत ही श्रद्धा है और ठंड में ठिठुर भी रहे हैं। ये मेरे दोनों दोस्त हैं श्री और अर्जुन, ये यहाँ भी पूजा कर रहे हैं दोनों के दोनों। और यहाँ सभी ने दीपक जला रखे हैं, ज्योत जलाई हुई है। दोस्तों ये मेरे दोस्त हैं भाई अशोक, ये मुझे यहाँ मिल गए हैं छठ पूजा घाट पर, भाई ढोल बजा रहे हैं यहाँ, ढोल बजा के माहौल को खुशनुमा कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरे साथ है शिवम, शिवम हमारा सब्सक्राइबर भी है और हमारी रामले कमेटी में का सदस्य भी है। शिवम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सभी व्रतियों ने अब अपने यहाँ फल के टोकरे एक श्रद्धा रखा हुआ है, फल के टोकरे ने एक श्रद्धा और भगवान में विश्वास है। ये जो खड़े हैं मेरे मित्र हैं, अब
अभिषेक हाथी जो दीपक जला के दिखा रहा है, हाथी जो कुबेर देवता का वाहन है वो दिखाया गया है यहाँ। बस कुछ ही देर में ये अभी सूर्य देव प्रकट होंगे और सभी आप अपने घरों को चले जाएंगे। इनको ठंड लगी लेकिन पता है श्रद्धा में ठंड नहीं लग गया, एक विश्वास नहीं लगती है। बस है ये सब के उसके ऊपर प्रसाद के ऊपर दूध लगे जा रही है और कमा रही है। ये जो बच्चा है इसका मुंडन के लिए भगवान से मन्नत मांगी थी और उसी के लिए उन्होंने यहाँ ये अपना पल्लू बिछा के डांस करवा रहे हैं। सामने सूर्य देव प्रकट हुए हैं और यहाँ पर ये सारे व्यक्ति अब अपना वर्ष खोल कर जा रहे हैं। आटा जा रहा है यहाँ से। भाई ये सोनी है मेरी भतीजी, ये हमारी सब्सक्राइबर ही है, यहाँ मिली है मुझे। यहाँ ये सभी अपने परिवार के साथ फोटो खिंचा रहे हैं कि इनकी पूजा संपन्न हुई। पूर्वांचल छठ सेवा समिति के अध्यक्ष भाई धनेश्वर यादव जी मिले और नरेश भाई मिले, ये मुझे प्रसाद दे रहे हैं कि मैं चलो ठीक है धंधा है इनका विश्वास है तो मैं इस प्रसाद को लेकर घर जाऊँगा। ये सभी अपने घरों को जा रहे हैं ढोल और नगाड़े के साथ, सभी अपने घरों को जा रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ क्योंकि इनका वर्ष संपन्न हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे छठ पूजा का व्लॉग बहुत ही पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।